कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हमारे किचन में बनने जा रही है मज़ेदार विंटर स्पेशल कश्मीरी चाय। कश्मीरी चाय बनाने का तरीका आज हम सीखेंगे और फिर आप लोग उम्मीद करती हूँ कि मज़े से अपने घर में इसको बनाकर सर्दियाँ एंजॉय करेंगे। चलें आएँ कश्मीरी चाय के इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। हमें कश्मीरी चाय बनाने के लिए जो जो अज्जा चाहिए होंगे उसमें सबसे पहले यहाँ पर पानी लिया है हमने 1.5 कप जितना। ये मैं आपको 3 कप कश्मीरी चाय बनाने का तरीका बता रही हूँ, अगर आपको इससे ज़्यादा बनाना हो तो आप क्वांटिटी डबल कर लीजिएगा। 1.5 कप यहाँ पानी है और यहाँ मैंने 6 से 7 जो है वो आइस क्यूब्स लिए हैं और यहाँ 4-5 हमारे पास छोटी इलायची है, ग्रीन इलायची, और यहाँ 3 हमारे पास लौंगे हैं। यहाँ पिस्ते हमने गार्निश करने के लिए कश्मीरी चाय लिए हैं, तकरीबन 7 से 8 पिस्ते हैं हमारे पास, इसको हमने बारीक काट लिया है। और यहाँ 3 जो है वो हमारे पास 3 टेबल स्पून जो है ये कश्मीरी चाय है, ग्रीन चाय की जो पत्ती होती है सब्ज़ चाय की, ये वो है 3 चम्मच। और यहाँ हमने 3 टीस्पून ही जो है वो शुगर ले ली है और यहाँ 1 से 2 चुटकी जो है वो नमक है और यहाँ 1 से 2 चुटकी जो है वो खाने का मीठा सोडा है। अब हम इसके तरीके की तरफ चलते हैं कि हमें किस तरह से ये बनानी है और किस तरह से सर्व करनी है। यहाँ 1.5 कप जो है पानी वो बॉईल हो रहा है। जैसे ही हमारा पानी उबलने लगेगा हम इसमें ग्रीन चाय की पत्ती शामिल कर देंगे 3 टेबल स्पून। फिर हम पत्ती को जोश देकर अच्छी तरह से पकाएंगे। यहाँ आप लोग देख सकते हैं हमारा पानी अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है। अब हम इसमें अपनी ग्रीन चाय की पत्ती 3 टेबल स्पून शामिल कर रहे हैं। अब इसको हम अच्छी तरह से पकाएंगे। अब हम यहाँ इसको 5 मिनट तक पकाएंगे अच्छी तरह से ताकि इसका कलर निकल जाए। यहाँ आप लोग देख सकते हैं हमारा जो है ये ग्रीन चाय का कलर जो है सब्ज़ चाय की पत्ती का कलर आ रहा है। अब इसका कलर तेज़ करने के लिए हम यहाँ 2 चुटकी खाने का सोडा इसमें शामिल करेंगे। 2 चुटकी खाने का सोडा हमने इसमें शामिल कर दिया है सब्ज़ चाय को अच्छी तरह से कलर लाने के लिए। कश्मीरी चाय का पिंक पिंक जो कलर होता है वो खाने के सोडे की वजह से आता है। अब हम इसको खाने का सोडा मिलाकर अच्छी तरह से पकाएंगे। खाने का सोडा डालकर अब हम इसमें इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक के लिए पकाएंगे ताकि इसका कलर अच्छी तरह से आ जाए। यहाँ आप लोग देख सकते हैं हमारी कश्मीरी चाय की पत्ती को अच्छी तरह से जोश आ गया है। इसमें हमने खाने का सोडा भी 2 चुटकी ऐड कर दिया था। अब यहाँ हमें 3 से 4 मिनट हो गए हैं इसे पकाते हुए और अब हम इसमें 6 से 7 हमारे जो आइस क्यूब्स हमने लेकर रखे हुए थे वो शामिल करेंगे। 6 से 7 आइस क्यूब्स शामिल करने के बाद इसका कलर जो है वो और अच्छी तरह से निकल के आएगा। अच्छी तरह से ये आइस क्यूब्स जो हैं इसके अंदर पक जाएंगी, मेल्ट हो जाएंगी और इसका कलर और डार्क हो जाएगा। फिर इसके बाद हम इसमें खाने की इलायची जो सब्ज़ी इलायची है वो शामिल करेंगे 3 से 4 और 3 लौंगे शामिल करेंगे। इससे कलर और अच्छा आएगा और खुशबूदार मज़ेदार कश्मीरी चाय हमारी बनकर आएगी। ये रेसिपी आप लोग घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कैसी बनी। और आप लोग ज़रूर ज़रूर मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। फ्लेम जो है हमने बिल्कुल मीडियम रखा हुआ है। फ्लेम ना आपका बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए ना ही बहुत ज़्यादा लो होना चाहिए, बिल्कुल मीडियम फ्लेम होना चाहिए। यह देखें बातों ही बातों में हमारी आइस क्यूब जो हैं वो मेल्ट हो चुकी हैं। अब हम इसके अंदर जो है वो 3 अदद लौंगे और 4-5 छोटी इलायची सब्ज़ इलायची शामिल करेंगे। यहाँ मैं 3 अदद लौंग शामिल कर रही हूँ इसमें। यहाँ अब हम 5 से 6 हरी इलायची खोलकर शामिल कर रहे हैं, इससे बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू और जायका आएगा और कलर भी बहुत अच्छा आएगा। अब हम इसको 5 मिनट तक मज़ीद पकाएंगे। यहाँ अब हम इसमें 1 चुटकी जितना जो है वो नमक शामिल कर देंगे और फिर अब इसको हम मज़ीद 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। फिर हमारा कावा जो है वो तैयार हो जाएगा। यहाँ हमारा जो है ग्रीन टी का कहवा, कश्मीरी चाय का कहवा जो है वो पककर तैयार हो गया। अब हम इसको छानेंगे और छान कर ये कहवा आप जो है वो 2 हफ्ते तक तकरीबन स्टोर करके भी रख सकते हैं फ्रिज में। और फिर जब आपका दिल करे तो आप ये कहवा निकालें और दूध शामिल करके, चीनी में शामिल करके आप इसको कश्मीरी चाय का मज़ा उठा सकते हैं। ये कहवा जो है वो अब हम छानेंगे। यहाँ आप लोग देख सकते हैं मैंने कहवा जो है वो छान कर रख लिया है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं हमारा 2 कप दूध जो है वो बॉयल आ चुका है इसमें 2 कप दूध में। अब हम 2 कप दूध में जो है वो तकरीबन 3 टीस्पून जो है वो शुगर ऐड करेंगे। 3 टीस्पून शुगर ऐड कर दिया हमने। अब थोड़ा सा दूध को पकाएंगे। यहाँ हमारा दूध जो है वो अच्छी तरह से चीनी के साथ मिक्स हो चुका है। अब हम यहाँ स्लोली स्लोली जो है वो जो हमने कावा छान के रखा था वो ऐड करेंगे
तकरीबन एक कप जितना मैंने यहाँ कश्मीरी चाय का कहवा लिया है जो हमने पहले से तैयार करके रखो। मज़ेदार टी पिंक कलर के जो हमारा कलर आया है, आप लोग देख सकते हैं कि हमारी ग्रीन टी जो है वो क्योंकि कश्मीरी चाय मिलती हूँ। नेक्स्ट रेसिपी में दुआओं में याद रखिएगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।